अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आओ बच्चा। नहीं गीता, काशी भाई साहब ने हमसे वादा किया है, हमें उनका भरोसा करना चाहिए। वो जो कहते हैं वो करते हैं, वो नदानी के साथ कुछ गलत होने देंगे और वो ध्रुव जी को भी समझा देंगे, सब ठीक हो जाएगा। यही था वो लड़का जो सृष्टि को मंदिर में मिला था, जिसके बारे में दादी बता रही थी। तुम मिले थे ना मेरी बेटी से? बोलो क्या हुआ उसे? क्या किया तुमने? बोलो, जवाब दो मेरी बेटी को, क्या हुआ? जवाब दो ना। तो आंटी आप गलत समझ रही हैं, हमने कुछ नहीं किया है, हमें तो अंदाजा भी नहीं है कि हुआ क्या है। सृष्टि ने हमसे बोला था विदाई की बात आप लोगों से मिलने के लिए, इसीलिए मैं आपके घर गया था, लेकिन वहां जाके पता चला कि सृष्टि हॉस्पिटल में है। अंकल हुआ क्या है? बेटा इस सवाल का जवाब तो हम भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन तुमने उससे आखिरी बार बात की थी ना, तो क्या बात हुई थी तुम्हारी उससे? ये इन सब बातों का वक्त नहीं है अंकल, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। सृष्टि जानती थी कि आप पर 9 लाख का कर्जा है, और शादी से पहले वो ये कर्जा खत्म करना चाहती थी। इसके लिए उसने कुछ सोच रखा था और वो मेरी मदद चाहती थी। अरुण, तुम्हारे पापा सरकारी लाइसेंस बनाने का काम करते हैं ना? हाँ। हमें उनकी कुछ मदद चाहिए। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है, प्लीज उन्हें दे देना। पर ये क्या है सिस्टर? वो दरअसल हमने हमारे पापा की चक्की का आटा एक बहुत बड़ी कंपनी में दिया था, और उन्हें वो आटा इतना पसंद आया कि वो पापा को कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हैं। अब उनका आटा हमारी चक्की में बनेगा, महीने का 80,000 देंगे वो, सारा सामान वही देंगे, बस पापा को सुपरवाइज करना है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। और हमने हमारी जमीन पर ना मोबाइल का टावर भी लगवाया है, जिससे हमारी जमीन पर 24 घंटे बिजली रहेगी, और इसी बिजली से पापा की चक्की भी चली। तो सारा खर्चा हटाकर मोबाइल कंपनी वाले 20,000 देंगे, तो ट्यूबवेल की भी वही बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं, तुम्हारा बिल भी बच जाएगा। तो कुल मिला के पापा को महीने के 1.5 लाख रुपए मिल जाएंगे। मेरे पिताजी किराए पर सामान दिलवाना और सरकारी लाइसेंस बनाने का काम करते हैं, इन सब कामों के कागज भी हम नहीं बनवाए थे उसके लिए, इसीलिए हम मिलते थे। ऑफिसर, ऑफिसर मास्क। वो जानती थी अंकल कि आप उसकी और धानी की शादी में सारी जमा पूंजी खर्च कर देंगे, वो आपकी आगे की जिंदगी आसान करना चाहती थी अंकल। कभी कुछ नहीं कहा आंटी, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो आप लोगों को बता देगी तो आप ये पैसे भी उन दोनों की शादी में खर्च कर देंगे, इसीलिए उसने हमसे कहा था कि विदाई की बात आप लोगों से बात करूं। वो अपने शादी वाले दिन हमारी नाक कटा के यहाँ से भाग गई। गाली तो इसके मुंह पे फूटी हुई होनी चाहिए जो हमें जीते जी मार गई, इसीलिए आज से ये भी हमारे लिए हमेशा के लिए मर चुकी है। हमारी सृष्टि बेटी आज इस पर हमें इतना भरोसा था, आज उसी ने हमारे साथ विश्वासघात कर दिया। सृष्टि हम लोगों का सहारा बनना चाहती थी, हमारी तकलीफें बांटना चाहती थी, और हम उसे अपनी तकलीफ का कारण समझ बैठे,
तुमने कैसे कैसे अपनी परवरिश पे सवाल उठा दिए। हमारी बेटी हमारी दुआओं का जवाब दिया और हम उससे बद्दुआ दे रहे थे। हमारी बद्दुआओं की वजह से हमारी बच्ची की यह हालत है। हम जिम्मेदार है इसके, हम जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार है। मेरी वजह से ये हुआ, हमारी वजह से हुआ। पल्स वीक होते जा रही है और खून भी बहुत बह गया है। फैसला आपका था ना, और आपने हमसे पूछना जरूरी भी नहीं समझा। शिशु जी को पसंद किया था, उन्हें प्यार किया था, और धानी को तो कभी उस नजर से देखा तक नहीं हमने। देखना तो दूर की बात पापा, हमारी तो बनती तक नहीं है, वो तालमेल नहीं आपस में कि हम जिंदगी भर एक साथ रह सके। और ये बात पूरा घर जानता है, फिर भी आपने ये फैसला लिया। और सच कहे तो शादी में हमें शक हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। हमने पूछा भी इससे, लेकिन इसने हमसे झूठ कहा। झूठी जो है ये, आपने हमें धोखा दे दिया। ये हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। बचुआ, आप अच्छी तरह जानते हो कि हमारा हर फैसला परिवार की खुशी की तरफ जाता है। गिटार पाने हैं हम, हमारे गोत्र, हमारा संस्कार, हमारा परिवार, हमारा खानदान, लोग शपथ लेते हैं इसकी। आज आपको हमारा फैसला थोड़ा कड़वा लगेगा, लेकिन यकीन मानिए, कल आपको इसका पछतावा नहीं होगा। थोड़ा सा विश्वास कर लें, बिना किसी तर्क वितर्क के गृह प्रवेश कर दें बच्ची का। नहीं पापा, इस बार पिता के फैसले में बेटे की भलाई नहीं, बल्कि पिता की खुदगर्जी शामिल है।
ना ही हम ये आपका फैसला मानेंगे और ना ही ये रिश्ता। नहीं नहीं ध्रुव, अच्छा नहीं बशवा, पूरे समाज के सामने पूरी रीति रिवाज के साथ आपका विधिवत ब्याह हुआ। हमारे मानने न मानने से अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं बचवा, वक्त बड़ा बलवान होता है बचवा, और वक्त सबसे बड़ा मरहम भी होता है। इतना सा अपने बाप पे विश्वास कर लो। हम समझते हैं आपका अभी उम्र का तकाजा है, आपने उतनी दुनिया नहीं देखी है जितनी हमने देखी है। थोड़ा सा अपने बाप पे विश्वास कर लो। और यूं इस तरह बहू को दरवाजे पे खड़ा रखना शोभा नहीं देता और शुभ भी नहीं होता। हम इसके साथ नहीं जाएंगे। डॉक्टर साहब हमारी बच्ची। डॉक्टर साहब सृष्टि कैसी है? देखिए, मैं आप लोगों को झूठा दिलासा नहीं देना चाहता, पर सृष्टि की बचने की उम्मीद कम है। खून बहुत बह गया है, वो कमजोर हो गई है, दवाइयां उसके शरीर पर असर कर ही नहीं रही है, इंटरनल ब्लीडिंग भी हो रही है। हम उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पर अगले कुछ घंटे सृष्टि के लिए बहुत भारी होने वाले हैं। मेरे प्यारे पापा, हमारे प्यारे पापा, ये चिट्ठी जब तक आपको मिलेगी तब तक हम दूर जा चुके होंगे, और अच्छा ही है, आपके सामने होते तो आप हमारे कान पकड़कर लाल कर देते। पापा, आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया है उसका एहसान हम कभी नहीं चुका सकते, लेकिन बेटी होने का फर्ज जरूर निभाना चाहते थे। हमारे जाने के बाद आपका, मम्मी और धानी का कल संवारना चाहते थे, इसीलिए सब किया है हमने। धिक्कार है हमारे बाबू जी पर, माँ की दुआ से ज्यादा उसकी बद्दुआएं लग जाती है बच्चों को, और हमने अपनी बच्ची के मरने की कामना कर ली, और इसीलिए वो हमें छोड़कर जा रही है। हमने तो अपनी बच्चियों को एक बेहतर जिंदगी देने की कोशिश की थी, लेकिन भाग्य ने आज हमें काला खड़ा कर दिया। एक यहां पर अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही है, दूसरी के साथ वहां न जाने क्या हो रहा होगा। ध्रुव, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें इस लड़की का साथ देने की, हम सब हैं तुम्हारे साथ, चलो तुम।
आपको हमारी कसम ध्रुव। दे दिया है और उस वचन के अंतर्गत धानी बिटिया रानी हमारे घर की बेटी बनकर रहेगी ता जिंदगी और आपकी धर्मपत्नी। अब हमारे वचन का पालन करना न करना आपके हाथ में है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं बचवा, लेकिन धानी बिटिया का तिरस्कार हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये रहा हमारा इज्जत जो अब आपके हाथ में है, या आपके पांव में रखता हूं। अगर इज्जत करते हो तो ठीक, अगर नहीं करते तो इसे कुचल के निकल जाओ। है हिम्मत तो हमारी इस इज्जत को आज कुचल के निकल जाओ। क्या कर रहे हैं आप? एक बात अच्छी तरह से सुन लीजिए, आप जबरदस्ती इस लड़की को हमारे घर में तो ले आएंगे, लेकिन हम इसे हमारी बहू का दर्जा कभी नहीं देंगे। काशी, खुद को बहुत बड़ा समझने लगे हो ना तुम, तो दिखाओ अपना बड़प्पन। कहां तो लग जाए हक से, हम तो चले यहां से। इस लड़की का गृह प्रवेश करा के हमें अपने घर को श्रापित नहीं करना है। चलो तुम लोग भी। गांव में शादी करने की यही प्रॉब्लम है, ये फोटो किसी और की दिखाते हैं तो शादी किसी और से कर लेते हैं। दिस विलेज पीपल आर स्मार्टर देन सिटी पीपल। रोते नहीं, हम सब आपके साथ हैं। रोते नहीं, आज पहली बार एक ससुर अपनी बहुरानी का गृह प्रवेश करवा रहा है। पंडित बा, गृह प्रवेश का रसम शुरू किया जाए। ये
बस रोना बंद। तो सुना नहीं आपने, हाथी के पांव में सबका पांव। आपका पति आपके साथ है अभी। ध्रुव बचवा, धानी का हाथ पकड़ो। ये हमारे घर की प्रथा है, तुम्हें और धानी को इन टोकरियों से गुजरते हुए आगे बढ़ना है।